Nand Kishor Sai ji. Manani Sabhapati Mahode, मैं राज्यसभा में जब आया तो लोकसभा में इसके पहले था. बहुत अच्छा लगा. यहाँ सारे हिंदुस्तान भर के, पूरे देश भर के लोग, अलग अलग जगहों से सब हमारे निवृत्तमान संसद सदस्यों ने, सबने जैसा रखा वैसा मुझे लगा. अलग अलग जगहों के अलग अलग लोगों के विषय, उनके विचार, उनको प्रस्तुति, ये सारा बहुत अच्छा लगा. हमारे नेता उस समय भी थे, आज भी हैं, माननीय अरुण जेटली जी, उनके नेतृत्व में बहुत सारी बातें सीखने को मिली. मैं तो केवल ऐसा सोचता हूँ, सारे लोग मिलकर के पूरे हिंदुस्तान को और शक्तिशाली, समृद्धशाली देश कैसे बनाए, ये सबसे बड़ा सवाल है. राजनीति अपनी सब जगह होगी, लेकिन ये सबसे बड़ा मजबूत है. मैं देखता हूँ उड़ीसा हमारा, बिहार भी गरीब है, हमारा छत्तीसगढ़ सारा. तो मैं कभी कभी इतिहास में जो पढ़ा हूँ, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने लिखा कि एक जमाना होगा सारा देश खड़ा होगा. उन्होंने आह्वान किया पूरे देश को गरीबी से, अज्ञानता से, निरक्षरता से, सबसे लड़ करके एक महान देश को बनाने का. और मैं उनके संकल्प को आपके सामने दोहराना चाहता हूँ. बिहार जागे, बिहार जागे, उत्कल जागे उड़ीसा, बिहार जागे, उत्कल जागे, और जागे बंग महान. पूरा जो हमारा सांस्कृतिक भारत था वो भी दुखी है. बिहार जागे, उत्कल जागे, जागे बंग महान, और कर्नाटक, गुजरात, मराठा, सिंध, बलूचिस्तान, जगा दो भारत को भगवान. काश्मीर, काश्मीर, पंजाब, अवध ब्रज, प्रिय नेपाल, भूटान, और महाकुशल मालो उठ बैठे, और गर्जे राजस्थान, जगा दो भारत को भगवान. थैंक यू. ये सारा देश को जगाने का काम है. हम सब लोग मिलकर के इस महान देश को, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं सारे मुल्क, सारे देश अलग अलग जो हैं मजबूत हों, ताकतवर हों, उनके पथ पर चल करके हम ठीक करेंगे. और ये आना जाना तो माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, होता रहेगा. लेकिन हमको एक बात का बहुत है कि हमारे जो डिप्टी स्पीकर साहब थे, उनका हिंदी सुनना हमारे लिए दिक्कत होगी. बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे, वो हम सुन नहीं पाएंगे. और ये आना जाना तो रहेगा. यह सांझ उषा का आंगन, यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, और चिरहास अश्रुमय आनंद रेस मानव जीवन का. हम आते जाते रहेंगे, लेकिन देश के लिए काम करते रहेंगे. यहाँ रहेंगे, बाहर रहेंगे, कहीं भी रहेंगे. अंत में मैं महाकवि प्रसाद के उस पंक्ति को पढ़ करके अपनी बात समाप्त करूंगा. आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता हूं. अरुण जी से हम लोगों ने बहुत सीखा. प्रधानमंत्री जी के प्रेरणाप्रद मार्ग पर चल रख करके देश को शक्तिशाली बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं. हमारे डिप्टी स्पीकर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद. सारे सदस्यों ने बहुत जानकारी दिया, हमको ज्ञान दिया. हम यहाँ आए तो ज्ञान का खजाना यहाँ था, सब लिखा हुआ है. सत्यम वद, धर्मम चर, एकम सद्विप्रा बहुधा बदंती. ज्ञान है, संस्कृत में विज्ञान भी है. आगे चल करके वो फिर से निखर करके आएगा इस देश को और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ. और ये महान देश जिसमें दुनिया के लोग आए यहाँ पढ़ने के लिए, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, उस महान देश को फिर खड़ा करेंगे और सब लोग मिलकर के इसको दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाएंगे. ये निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा. वही है देश जो पहले था, वही है देश, वही है रक्त, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शक्ति, वही है शांति, वही हम दिव्य आर्य संतान. जिए तो सदा इसी के लिए, यह अभिमान रहे या हर्ष, न्यौछावर कर दें सर्वस्व अपना प्यारा भारतवर्ष. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. सबको नमस्कार. वंदे मातरम. थैंक यू नंद कुमार जी.